चलो बेटे, एमसीक्यू देखो, सर्शन रीजन देखो और पीबीक्यू देखो। यू हैव रेड द चैप्टर। अब ये देखो कि आपको कितना आ रहा है। द अपियरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हलाइड्स। द अपियरेंस, सुनो पहले मुझे कंप्लीट करने दो। द अपियरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हलाइड्स इन जनरली ड्यू टू शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल पोजीशन, एब्सेंट। व्हाट आर एब्सेंट? व्हाट आर एफ सेंटर्स? क्या बोल रहे? कैसे बनते हैं बेटे एफ सेंटर्स? व्हाट आर एफ सेंटर्स? सेंटर्स और कुछ? नीचे दूर ही बैठे हैं, पीछे के बोल रहे। बोलो बेटे, जब NaCl के क्रिस्टल को हीट किया, ये एग्जांपल NaCl का बोला, किसमें? सोडियम वेपर्स में, ठीक है? तो क्या होता है? क्लोरीन अपनी लैटिस साइड छोड़ के सोडियम के साथ कंबाइन होता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप हो जाते हैं और वो कलर इम्पार्टिंग सेंटर्स होते हैं जिन्हें एफ सेंटर्स कहा जाता है। नीचे वो लग रहा, आवाज भी पहुंची आपकी। एमसीक्यू था अपियरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हलाइड। अल्कली मेटल हलाइड फॉर एग्जांपल NaCl, उसका कलर येलो होता है। आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव जहां पे भी है, जब आप सोडियम वेपर्स में हीट करते हो, यहाँ से क्लोरीन जाके सोडियम के साथ कंबाइन होने के लिए निकल जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं उन्हें एफ सेंटर कहा जाता है, कलर इम्पार्टिंग सेंटर्स। क्यों कलर इम्पार्ट करते हैं ये? क्योंकि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं तो वापस आते हुए कई कलर अमिट करते हैं। लिख लो, ये क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करोगे। अ गिवन मेटल, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइज, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेस आउट विद क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ ऑफ 361 पाइकोमीटर, 361 पाइकोमीटर इफ देयर आर फोर मेटल एटम, इफ देयर आर फोर मेटल एटम इन वन यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम? व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम? हेलो,
किस किस का है रिलेशनशिप? ये सिंपल का है, ये एफसीसी का है और ये बीसीसी का है। ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। एज लेंथ और रेडियस में सिंपल में क्या रिलेशनशिप है? इज इक्वल टू 2r, 4 एफसीसी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4r, फॉर बीसीसी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4r। अब ये कौन सी दी हुई है आपको, कौन सी सेल दे रखी है बेटे? हम पढ़ गए हैं ना घर से। सीसी भी क्या होती है? इतना बड़ा हिंट दे दी इन्होंने क्वेश्चन में, बहुत बड़ा। एक लाइन दे दी, इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स, इससे बड़ी लाइन क्या दें वो? ये एफसीसी है, सिंपल में 1 एटम होता है, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो हम एफसीसी की ही बात करते हैं। ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, 1, 2 का 4। ये सिंपल में 1, बॉडी सेंटर में 2 एटम्स और एफसीसी में 4। सिंपल में कहाँ होता है? सिर्फ कॉर्नर पे। तो कॉर्नर का एक का ही शेयर होता है, 1/8×8। बीसीसी में कॉर्नर के अलावा सेंटर में, तो सेंटर का एक ही शेयर होता है 2। और एफसीसी में कॉर्नर के अलावा फेसिस पे, फेसिस का कितना होता है 3, 3+1=4। और ये आपको रिलेशनशिप ऐसे ही याद होनी चाहिए। अब हमें क्या गिवन है? एज लेंथ मतलब ए गिवन है। आपने क्या निकालना है? रेडियस किसका? सीसीपी का, मतलब एफसीसी का। तो ये वाली रिलेशनशिप लगाओगे, लगाओ रेडियस निकालो। अरे अब अंडर रूट 2 की वैल्यू है 1.414। फिर ऑप्शन में देती हूँ आपको। अरे अब लगाओ, हरी अप। शिवम कह रहे क्वेश्चन बी, क्वेश्चन में जो ये है, अगिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद द क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ, एज लेंथ आपको गिवन है 361 पाइकोमीटर। आपने रेडियस निकालना है, 361 पाइकोमीटर आपने रेडियस निकालना है। और ये एफसीसी है, सॉल्व ही नहीं होता आपसे, घंटे लग गए आपसे। अंडर रूट 2 की वैल्यू मैंने बता दी आपको, 1.414। रिलेशनशिप मैंने बताई जो आपको बतानी चाहिए थी, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा। ये एक एमसीक्यू है, क्या करेगा उसी में? Why you not solving it? स्पीड तभी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा एग्जाम में आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। एमसीक्यू है, टिक नहीं लग जाने ऐसे वहां पे। कितना आंसर आ रहा है? Your answer must be 127 आ रहा है। Your answer must be 127। तो अब टाइम भी कैलकुलेट करो कि एक एमसीक्यू सॉल्व करने को कितना टाइम लगाया।
नेक्स्ट आ जाओ, लिथियम हैज, राइट डाउन नेक्स्ट, हरी अप, लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, लिथियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Density given to you is 530 kilogram per meter cube. This is the density. And its atomic mass is 6.94 gram per mole. 6.94 gram per mole. मास, एटॉमिक मास मींस मॉलिक्यूलर मास. कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल. कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल. अब इस न्यूमेरिकल का मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिया आपको, ठीक है, लिखा ना, आपको एम पता है, आपको ए निकालनी है, आपको डेंसिटी पता है, आपको एन नॉट पता है, वो गैडरोस नंबर पता है ना. पर अब ध्यान से क्या देखना है हमने, कि यहाँ पे मास ग्राम में गिवन है, डेंसिटी किलोग्राम में. पहली बात तो डेंसिटी को ग्राम में चेंज करोगे, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, ये चीजें देखनी पड़ेंगी एग्जाम में. समझ आ रही है? अब करो, डेंसिटी को पहले ग्राम में चेंज करो, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, ए क्यूब निकालो. और ये कौन सी सेल है? बीसीसी. बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं? टू. तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 2. So you are with given with 2 m भी आपको पता है, n नॉट भी पता है, d भी पता है, a क्यूब निकाल लोगे. चलो निकालो, स्पीड देखो अपनी जल्दी. हरी अप, वैल्यूज ही पुट करनी है, सब कुछ बता दिया मैंने, क्या कहाँ पे पुट करना है. अक्षय मैं वो गड्ढे नंबर बता. अंकिता इसमें वो गड्ढे नंबर बताओ जरा, इनको नाइन्थ में भेजो दोबारा. टेन रेस थ्री बार 23, ये नाइन्थ में भेजने वाले हो गए. इतने बुरी हालात. इतने बड़े बुरे हालात. नाइन्थ में कंसेप्ट किया, देन प्लस वन में किया, और अब अगर नंबर ही नहीं पता. 6.02 इंटू 10^23. हरी अप. और इसको जब हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, तो क्या बचेगा? 0.53. हाँ,
पर बेटे आपको एज लेंथ गिवन है पाई को मीटर में, और ये मीटर में, इसको भी तो चेंज करोगे। मैं कुछ सुना मेरा सिर दर्द हो जाना है इनके साथ। अब ट्वेल्व होता पाइकोमीटर होता है 10^-12 मीटर्स। आपसे नहीं होना पेपर। बिल्कुल नहीं होना, स्पीड ही नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इतना वेट नहीं होता आपका। आंसर आएगा 352 पाइकोमीटर। घर जाके निकालना। अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अ मेटल क्रिस्टलाइज, अ मेटल क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है? अ मेटल क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर मीन्स FCC। इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल, इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल विल बी, ऑप्शन ए 2A, लिखो ऑप्शन 2A, टू सेकेंड ऑप्शन लिखो, टू अंडर रूट 2A, सेकेंड ऑप्शन टू अंडर रूट 2A, थर्ड रूट 2A, फोर्थ ए बाय रूट 2। क्या ऑप्शन आई है? अभी हम ना ये करें, अभी न्यूमेरिकल केस के ऊपर, अभी अभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। देखो क्या कह रहे हैं, अ मेटल क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक। आपको एज लेंथ गिवन है, ए गिवन है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, क्लोजेस्ट FCC में क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हो? ये FCC बनाते हो आप, यहां पे एक होता है एटम, यहां पे एटम, ये तीनों क्लोजेस्ट हैं, ये 4R के इक्वल आ जाता है, इसको √2A के इक्वल लेके आते हो आप। पढ़ के आए हो चैप्टर? ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये 4R हो गया। 4R इज इक्वल टू √2A निकाला था, तो यही रिलेशनशिप से इन चारों में से एक ऑप्शन आएगी। और आर में रिलेशनशिप निकालनी है, 4R में नहीं निकालनी। हाँ डी ऑप्शन आएगी, क्लोजेस्ट अप्रोच रेडियस निकालना है। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? दो में डिस्टेंस, मतलब आर निकालना है आपने।
डी ऑप्शन आएगी आपकी। मेरा ना सच्ची थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है सच्ची। अभी किया आपने, क्वेश्चन समझ ही नहीं आते आपको। नेक्स्ट इज व्हाइट, द व्हाइट जिंक ऑक्साइड टर्न येलो ऑन हीटिंग बिकॉज ऑफ, कौन सा डिफेक्ट है? जिंक ऑक्साइड का कौन सा डिफेक्ट पढ़ते हो? विदाउट ऑप्शन बोलो जल्दी। द व्हाइट जिंक ऑक्साइड टर्न येलो ऑन हीटिंग, कौन सा डिफेक्ट लगता है? जिंक ऑक्साइड को जब हीट करोगे तो किस में चेंज होगा? जिंक में, टू पॉजिटिव में, प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस जो कि उड़ जाएगी, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन पता ही है। जिंक ऑक्साइड को जब हीटिंग करते हो ना तो जिंक के आयंस बनते हैं, बनते हैं, ऑक्सीजन उड़ जाती है। अब वो उड़गी और बाकी अब क्रिस्टल में क्या रह गया? जिंक। तो ये किसकी एक्सेस होगी? मेटल की एक्सेस नहीं होगी। तो इस डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन एफसीसी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड? पहले ऑप्शन सुन लो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड तो वैसे ही आपको आता है, पर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया हुआ ना। एफसीसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, 2nd ऑप्शन 8/3 पाई आर क्यूब, थर्ड ऑप्शन 16/3 पाई आर क्यूब, फोर्थ ऑप्शन 64 आर क्यूब, 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। ये गलत दे रहे हैं, जो ऑप्शन दे रहे हैं वो बीसीसी के हिसाब से होनी चाहिए। दे क्वेश्चन गलत है बेटे, एफसीसी नहीं होना चाहिए। जो आंसर आ रहा है वो बीसीसी के हिसाब से आ रहा है। ये कोई ऑप्शंस गलत है या क्वेश्चन गलत है? अरे नहीं रुको, 1 मिनट। चलो बीसी से इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर क्या रहा है बताओ। बढ़िया, हाँ अगर ये ऐसा देखा जाए तो 2√2 भी आ जाएगा। टू रूट टू ही आएगा अगर आपने एफसीसी की निकालनी हो। टू रूट टू आएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है।
मैं ठीक कर लू। हाँ जी, क्या ऑप्शन है? समझ कुछ आया आपको इस क्वेश्चन का मतलब? आपने सिर्फ वही दोबारा करना है, 4R इज इक्वल टू रूट 2A। फोर आर करो, 4R, अरे अब करो, 4R इज इक्वल टू रूट 2A, इसमें से A निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है? ए क्यूब। तो जब ए का क्यूब करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 64R³ रूट अंडर रूट 2। बात आई समझ? गुड से मैं तो एम्ब्रॉयडरी करनी बंद कर दे। स्पीड है नहीं, कुछ होता है नहीं हमसे, एमसीक्यू होता नहीं, कैसे अटेम्प्ट करने? ऑनलाइन के भरोसे बैठे रहते हो हमेशा बेटे। कितनी देर तक बैठे रहोगे? समझ आई क्या किया हमने? 4R इज इक्वल टू रूट 2A, फिर A क्या हो जाएगा? 4R डिवाइडेड बाई रूट 2। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा? जो ये वैल्यू, इसको क्या करोगे आप? क्यूब। तो आपकी वो ऑप्शन आ जाएगी। समझ आ गई? चले आगे। चलो नेक्स्ट लिखो। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज, उसी मर एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटेक्स has an edge length of 500 picometer if the density is 4 per centimeter cube पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी जा रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। लिखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी खाया हुआ है इन्होंने, नहीं गलती है इस बुक में। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम पर मोल इज 10 जल्दी करो। तो 500 इंटू 10 रेस टू दी माइनस 10 500 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर को पाइकोमीटर में करो। और जल्दी जल्दी निकाल लो, मैंने एक मिनट देना है। ठीक है, एज लेंथ की जहां पाइकोमीटर की जहां पे सेंटीमीटर करके फटाफट वैल्यू पुट करो। जेड की वैल्यू क्या है? कौन सी सेल गिवन है आपको? बीसीसी पर बीसीसी लिख दे फिर। नहीं गलतियां बुक, नहीं ज्यादा मिस्टेक्स क्यों है ना इस बुक वाले ने।
अरे आप करो अपने यहाँ घर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 150 आंसर आएगा आपका। आ गया, सिर्फ शर्म कर लो, चार बॉयज हैं एक गर्ल बैठी है। ये मैथ वाले बच्चे बैठे हैं साथ में, नॉन मेडिकल वाले 2 मिनट लगाते हैं। Which of the following is an amorphous solid? Simple. Graphite, quartz glass, chrome alum, silicon carbide. इसमें से amorphous कौन सा है? Graphite, quartz glass, chrome alum, silicon carbide. ग्रेफाइट तो कभी नहीं हो सकता, वो तो नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, क्रोम एलम, क्रोमियम और एल्युमिनियम का सॉल्ट है। सिलिकॉन कार्बाइड अगेन नेटवर्क सॉलिड है। आपका आंसर है क्वार्ट्ज ग्लास। पेपर में ना ध्यान से पढ़ लियो, अकेला क्वार्ट्ज लिखे कि क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है। ये क्वार्ट्ज ग्लास है तो मॉर्फस है, अगर अकेला क्वार्ट्ज लिखा हो तो क्रिस्टलाइन होगा। दोनों की एक जैसी ज्योमेट्री होती है, सब कुछ सेम होता है, मगर वो रेगुलर होता है, वो इरेगुलर होता है। ठीक करना थोड़ा मैं।